हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं कि पाइथन की लाइव क्लासेस भी चलती है शाम को, तो उस लाइव क्लासेस में ये सारी चीजें मैं बता नहीं पाया था, तो चलिए इसके लिए एक वीडियो डालता हूँ छोटा सा, जिससे आपको ये पता लगेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया। जब देखिए कभी भी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होते हैं तो पीआरटी यानी प्रिंसिपल अमाउंट टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और इसी के आधार पर सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें पी को मल्टीप्लाई कर देंगे, और पाव नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है पाइथन में जो कि पावर कैलकुलेट करके देता है, 1+R/100, T कर देंगे और यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंट करा देंगे। जैसे ये प्रोग्राम मैंने लिखा है बिल्कुल आपको भी यही करना है, इजिली ये प्रोग्राम चलेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट ये कैलकुलेट करके देगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आई होप कि आपको पता होगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब इसको एक बार चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है इससे, इसको चलाने से। तो यहां पर ci.py के नाम से इसको सेव करता हूं, compoundinterest.py। अब देखिए यहां पे कह रहा है प्रिंसिपल अमाउंट, अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए हो, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 रुपए, तो 100 पर मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 5 रुपए आएगा, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट 5 रुपए आएगा, और फिर उस 5 रुपए पर जो इंटरेस्ट आएगा यानी 5 रुपए का 5% निकाला जाएगा और वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो यहां पर अगर 5% की बात करता हूं मैं, तो देखिए यहां पर कुल मिलाकर के कितना आएगा, यहाँ पे ईयर भी आपको देना है, 5 सालों में कितना आया वो मैंने दिया है, ठीक है ना। अब इसी चीज को मैं 1 साल में करके दिखाता हूँ आपको, देखिएगा F5 करता हूँ, अब 1 साल में ये करके देखेंगे आप। तो ये हो गया 100 रुपए, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ इयर्स, तो 1 ईयर की बात करेंगे, ठीक है, और 1 ईयर में 5% का इंटरेस्ट रेट लगाया, देखा आपने 105 रुपए आ रहा है, समझ रहे बात को। अब यही चीज 2 ईयर की बात करेंगे तो 105+105 यानी 105+105 कितना हो जाएगा, 210 रुपए, और ये 105 जो 105 रुपए जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी ब्याज लगेगा, समझ रहे बात को। तो देखिए एक बार फिर से करता हूं यहां पे, इस बार मैं चेंजेस कर रहा हूं, देखिए इस बार क्या किया मैंने, यहां प्रिंसिपल अमाउंट मैं कर देता हूं 100 रुपए, ठीक है ना। 100 रुपए इसलिए ले रहा हूं क्योंकि समझने में भी आसानी रहेगी। अब देखिए इंटर द वैल्यू ऑफ, अब 2 साल की बात करेंगे, 2 साल, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% रखा, तो यहां आप देखिए 110 रुपए बनना चाहिए था, लेकिन ये 25 पैसे उस ब्याज के ऊपर ब्याज का बन रहा है, देख सकते हैं ना, ये बहुत आसान है, ठीक है ना। और ये आप एकदम से यही चीज आप लगाइएगा, इसी तरीके से कोडिंग करिएगा और आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।